नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे। यह सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं और जिसने लगाया है वह लगा के भी आ जाता है। लगाने में बड़ा सिंपल है, देखने में बड़ा कठिन है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, 693 × 693 × 693 − 383 × 383 × 383 भागे 693 × 693 + 693 × 383 + 383 × 383 को सरल कीजिए। सिंपलीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। अगर आप सूत्र के माध्यम से लगाएंगे तब तो आसानी से बन जाएगा, अगर आपने गुणा करके लगाया तो बन तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ पर मानते हैं कि A बराबर है 693 और B बराबर कितना है 383। ये हमने मान लिया। अब 693 का तीन बार गुणा है यानी हम A की पावर 3 लिख देंगे, 383 का गुणा तीन बार है B की पावर 3 लिख देंगे। यहाँ दो बार गुणा है तो यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दोनों का गुणा है तो A और B हो जाएगा, और यहाँ पर 383 का दो बार गुणा है तो यहाँ पर B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको सिंपल तरीके में लिख लिया, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 भागे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, वही लिखा है लेकिन a और b के फॉर्म में लिख दिया। अब a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का सूत्र होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, नीचे भी यही था a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हमने देखा एक जैसा मिल रहा है, काट दो, क्या बचेगा a माइनस बी, यानी इसको सॉल्व करने में क्या मिल रहा है हमें, a माइनस बी ही सॉल्व करना है। क्या है a की वैल्यू, a की वैल्यू है 693 और इसकी वैल्यू है 383। तीन में से तीन जाएगा जीरो, नौ में से आठ गया एक और छह में से तीन गया तीन, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि देखने में कठिन है करने में सिंपल है, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार, यानी कि कोई भी परीक्षा नहीं होगी जिसमें किसी न किसी ने बार इसको पूछ लिया गया हो। तो आपको इस सिंपलीफिकेशन का इस टाइप के सवालों को सॉल्व करके देख लेना है। यह सवाल देखने में जरूर कठिन लगते हैं लेकिन सॉल्व करने में बड़े ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।